नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपने जो स्टेटस देखा आपका चाहे जो भी नाम हो अपने खुद की नाम के इंडियन फ्लैग में आप ऑडियो स्टेटस बना सकते हैं। आप चाहे उसमें जो भी म्यूजिक अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और आप जो चाहे जिस भी नाम से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से 2 से 3 मिनट में। तो जाने के लिए वीडियो को कंप्लीट तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सूरज और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यहाँ से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके खुद की नाम की इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए क्या करना, सिंपली एक एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रिंटरेस्ट। इस एप्लीकेशन को आप जो है कि प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्टली। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है, आपका जो भी नाम होगा आपको यहाँ लिखना है। जैसे मेरा एस है तो आपका जो भी नाम होगा एस इंडियन फ्लैग सर्च करने, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ जो एस करके आ गया आपका भी आ जाएगा। और उसके नीचे या फिर नहीं आता है तो किसी भी एक के नीचे आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस आ गया। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये इमेजेस है, इस फोटो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके आपको ये डाउनलोड इमेजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये देखते हैं सेव टू हो गया इमेजेस सेव। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको जाना है और एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। ये मोबाइल से एडिटिंग करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, इससे जो कि आप चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए जिसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करें आप यहाँ पर रेजुलेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला। उसके बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने आपको रेजुलेशन सिलेक्ट करना, तो मैं ये बीच वाला कर लेता हूँ 9.9 वाला। क्लिक करना आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करें आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे फाइल था मेरा प्रिंटरेस्ट एप्लीकेशन का वो यहाँ पे आ गया। तो सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो साइज़ आप बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, इसे इसको मैं 25 सेकेंड कर देता हूँ, 25 सेकेंड। तो इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली आप देख सकते हैं ऑडियो प्ले, उसके बाद यहाँ प्लेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको सर MP3 में म्यूजिक है तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी MP4 में वीडियोस है, MP4 में वीडियोस है या वीडियो सॉन्ग है, वीडियो स्टेटस है, उसका सिर्फ आप म्यूजिक यहाँ पे कट करके उसका भी लगा सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे आप जो कि लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर के ऊपर क्लिक करना, आपको मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस वीडियो होगा उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल मेरा जो है कि ये वाला स्टेटस वीडियो है, अगर आपके पास MP3 म्यूजिक में है तो वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टेटस की म्यूजिक यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इसको स्टेटस को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कैची का आइकन आ रहा है, तो नीचे में देख सकते हैं स्टैक ऑडियो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका जो ऑडियो था वो यहाँ पे नीचे में आ गया। उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करके जो है कि इसका बाकी का जो है कि कट कर दें, यहाँ पर राइट साइड में कट कर दिया। उसके बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, देख इस टाइप से आपको म्यूजिक वाले सुनाई नहीं दे रहा होगा, मेरे उसका कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है किसको अपना स्टोरी बना सकते हैं, जो जो इमेजेस आप यहाँ पे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। उसका सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियोस की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मली यहाँ पे रखें 720 MP पर रखें, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद ये जो है कि ऐसे यहाँ पे एक्सपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट हो रहा है, ये आपको गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं अपनी स्टेटस को।